नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं उनतीस अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है रेवती नक्षत्र शाम छह बज करके तैतालीस मिनट तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है विष्वकुंभ योग विष्टिकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज मीन राशि में शाम छह बज करके तैतालीस मिनट तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के तीस मिनट से दोपहर इक्कीस मिनट तक का होगा वहीं राहु काल दिन में के तीस मिनट से दोपहर बारह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और साथ ही साथ आज मासिक शिवरात्रि भी है और साथ ही साथ गोचर में आज एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है शनिदेव के रूप में शनिदेव ने अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अब ये प्रवेश कर गए तो शनिदेव के इस गोचर से क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है वैसे तो इसकी बृहद चर्चा हो चुकी है लेकिन साथ ही साथ आज इस राशिफल में भी हम शनिदेव के परिवर्तन से आपके राशि के लिए क्या मिलने जा रहा है आपको कहीं ना कहीं इसकी भी हम चर्चा राशिफल में संलग्न करेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में राहु की चर्चा होगी और आ, साथ ही साथ चार मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे आगे राशिफल की भी चर्चा होगी लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं बुध का संचरण वृषभ राशि में जारी है केतु तुला में है और मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा गुरु और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को आज जरा समझिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी जो कि राहु से युक्त है और साथ ही साथ गुरु चंद्रमा और ये जो शुक्र हैं ये दोनों के दोनों तीनों के तीनों ग्रह पाप मध्यत्व में आज आ जा जाएंगे तो इनके पाप मध्यत्व से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा कहीं ना कहीं राशि फल में मैंने आपको बता दी है तो आज शनिदेव के परिवर्तन से कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है इसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं सबसे पहले चर्चा करेंगे चार मई दिन बुधवार के मुहूर्त की सबसे पहले आपको बता दूं कि उस दिन जो पहला मुहूर्त मिल रहा है वो मुकदमा दायर करने का मिल रहा है प्रातः काल दस बज करके ग्यारह मिनट से ग्यारह बजकर के अट्ठावन मिनट के बीच कोई भी मुकदमा दायर आपको करना है तो कर सकते हैं साथ ही साथ नौका निर्माण जो कि प्रायः अब तो लोग नहीं करते साथ ही साथ रोग विमुक्ति का भी मुहूर्त है यह मुहूर्त आपके काम आएगा प्रातः आठ बजकर के दस मिनट से दस बजकर के ग्यारह मिनट तक है तो आप इन दो मुहूर्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो पहला जो मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मुकदमा दायर करने का और दूसरा रोग विमुक्ति स्नान ये जरूर कर लीजिएगा विशेष करके त्वचा जन्य रोग से ग्रसित हैं तो इस मुहूर्त का किसी भी तरह की एलर्जी से ग्रसित हैं तो इस मुहूर्त का अवश्य ही लाभ उठाइए शेष बाकी कोई मुहूर्त नहीं क्योंकि उस दिन रिक्ता तिथि है और रोग विमुक्ति के लिए जानते हैं त्वचा जन्य है तो वैसे भी नीम के पत्ते से ही स्नान करना सबसे बढ़िया होगा जल में नीम पत्ते को उबाल करके और उसी जल से स्नान करिए रोग विमुक्ति काल में रो, रे, रोग रोग विमुक्ति के जो मुहूर्त का जो मुहूर्त है इस समय में स्नान करने से निसंदेह लाभ होता है प्रिय दर्शकों अब चलते हैं राहु की ओर राहु की हम चर्चा करेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में कल भी हमने की थी चार राशियों में आज पुनः चार राशियों में हम राहु की चर्चा करेंगे पहली राशि है मिथुन आप जानते हैं राहु मिथुन राशि में मूल त्रिकोणस्थ माने गए हैं यहां पर बलि हो जाते हैं तो इस राशि में अर्थात मिथुन राशि में कुंडली में बैठे हैं तो निसंदेह ये जातक को उच्च कोटि का वक्ता बनाएंगे और कमाल की बात यह है कि वक्ता मतलब कैसा वक्ता तो जब जैसा तब तैसा जाहिर सी बात है, राहु है राहु भ्रम है बुधवाणी इनकी राशि में जब आएंगे तो सामने वाले को विश्वास करने पर मजबूर कर देंगे एक ऐसी वाणी एक ऐसा बोलने वाला एक ऐसा वक्ता जब बोलने लगे तो सामने वाले को गलत भी सही दिखाई पड़ने लगे यानी कह सकते हैं कि अगर मिथुन में राहु है तो ये ज्यादा विचारणीय नहीं ऐसे व्यक्ति के पास वो गुण जन्मजात विकसित है कि अपनी बातों से या ऐसी लपेटने वाली बातों से वो किसी को भी अपने लपेटे में ले सकता है बलवान होता है आयु वृद्धि में भी कहीं ना कहीं यहां पर ये यह सहयोगी होते हैं योगाभ्यासी होता है अब जरूरी नहीं है योगाभ्यासी शब्द का अर्थ आप ये निकाले कि योग करने वाला हो मैं तो भोग करने वाला भी मान सकता हूं यहां योग का अर्थ यह है कि अपने काम का वो जबरदस्त अभ्यासी होगा अगर वो मार्केटिंग का, का काम कर रहा है तो जबरदस्त अभ्यासी वो कुछ भी बेचने में महारथी होगा वो कुछ भी बेचेगा कन्या ये बुद्ध की दूसरी राशि है और इसी राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं इसमें भी राहु का होना बहुत बढ़िया है ये जातक को लोकप्रिय बना देते हैं अच्छा यहां गौर करिए पर राहु होने से जातक मधुरभाषी होता है जैसे गायक हो सकता है गाने वाला हो सकता है लेखक होगा कवि होगा वक्ता होगा लेकिन जो वक्ता मिथुन में होगा वो वक्ता राहु में नहीं होगा राहु में जो वक्ता होगा उसमें मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होगा यानी परिस्थितियों के हिसाब से यहां भी बोलेगा लेकिन शत प्रतिशत लपेटने वाली बात मैं नहीं कहूंगा मिथुन में बहुत ज्यादा है कर्क सामान्य है खराब भी नहीं माना गया कई ऋषियों ने लग्नस्थ कर्क राशि के राहु को बहुत अच्छा माना है उदर रोगी बना देते हैं पेट का रोग धन की कुछ हद तक कमी भी जातक को देखने को मिलती है ऐसा जातक दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आ जाता है दूसरों की बातों में आने के कारण ही उसका समय व्यर्थ चला जाता है या उसे जितना मिलना चाहिए वो हासिल नहीं कर पाता कर्क में राहु जातक को कहीं ना कहीं भ्रमित करके रख देते हैं जातक के स्वभाव में कैसी स्थिति आ जाती है कि उसका सभी लाभ उठाने लगते हैं सबका वो काम कर देता है लेकिन उसकी जब बारी आए तो कोई भी उसका साथ नहीं देता लेकिन यही यदि शुम्भ में राहु हो तो जातक बेहद चतुर हो जाता है हां मैं यहां चतुराई धूर्तता से नहीं रखता हूं मैं यहां चतुराई शब्द रखता हूं ऐसा जातक बढ़िया विचारक होगा नीतिज्ञ होगा नीतिज्ञ इस शब्द पर इस्तेमाल कर ध्यान रखिए चतुर के साथ नीतिज्ञ एक होता है चतुर ये न के न प्रकार एक होता है नीतिज्ञ नीति क्या कहती है नीति को जानने वाला होगा क्या सही क्या गलत इसका उसको आभास होगा राजा की राशि है सीधी सी बात है कि कोई भी आकर के मनमानी यह नहीं कर सकता और जब ये गुण उसके अंदर है तो वो सत्पुरुष होगा विचारक होगा यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि में राहु जातक को अवगुणों से नहीं वर्ण गुणों से परिपूर्ण कर देते हैं निर्भर करता है कहां ये राशि बनी हुई है आपकी जन्म कुंडली में और किस स्थिति में है सूर्य हमेशा ये ध्यान रखिए और रखा जाना चाहिए कि राहु के प्रभाव में पूर्ण रूप से बदलाव हो सकता है यदि जिसकी राशि में राहु बैठे हैं उसका राशिपति नीच स्थिति में हो पीड़ित स्थिति में हो तब प्रभाव बहुत हद तक बदल जाएंगे अन्यथा राहु का प्रभाव निसंदेह श्रेष्ठ और इस कलयुग में तो विशेष रूप से प्रभावी और जिन राशियों में मैंने जहां अच्छा कहा है वहां शत प्रतिशत अच्छा देने वाले होंगे क्योंकि आज के इस परिवेश में हम जिसको शत पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं हम जिसको विचारक की संज्ञा दे रहे हैं अब यह भी देखना है कि वो विचारक किस तरीके का है क्या वो विचारक जनता को दिखाने के लिए विचारक है या वो भीतर से भी विचारक है आज जो चमक दमक में विचारक दिखाई पड़ रहा है हम उसी को तो विचारक मान रहे हैं और इन सब चमक दमक के पीछे तो राहु ही खड़ा है और कौन है क्योंकि अगर राहु को हटा दिया जाए तो फिर चमक दमक समाप्त तो हो जाएगी और जिनके पास सचमुच का विचार है जो सचमुच के ज्ञानवान नीतिवान हैं, वो अपने आप को सब प्रपंचों से दूर कर लेंगे ज्ञान प्रपंच से काट देता है ज्ञान प्रपंच से अलगाव की स्थिति में ले जाता है चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज बारहवें में है और बुध के नक्षत्र में है दिन शुक्रवार का है दिन ठीक नहीं है और आपको बहुत सचेत रहना होगा सिर्फ काम से काम रखिएगा और हां आज हर किसी पर भरोसा मत करिएगा आज मेहनत ज्यादा होने वाली है और मन किसी भी काम में नहीं लगेगा बार बार मन में बदलाव उत्पन्न होगा शनि का जो परिवर्तन गोचर में हुआ है उनकी सीधी दृष्टि मेष राशिस्त सूर्य पर पड़ने के कारण आप अपने आत्मविश्वास में कमी भी महसूस करेंगे और संभव है कि कार्यस्थल पर बॉस से सहयोग न मिल पाए किसी न किसी बात को लेकर के तू, तू मैं मैं हो जाए कल्पना के आधार पर इधर की बात उधर मत करिएगा और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा दूसरे के काम में टांग मत अड़ाइएगा और अपना काम समय पर पूरा करने का प्रयत्न करिएगा मैं जानता हूं कि आप मानसिक रूप से काफ़ी आज परेशान होंगे कोई भी काम आपका वक्त पर नहीं होने वाला है आज इस परिवर्तन का सीधा सीधा असर आपके प्यार परिवार कार्यक्षेत्र हर जगह पड़ने वाला है किसी भी बुरी तरह पूरी परिस्थिति इस पर फंसने से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करिए जहाँ धैर्य हो संशय हो कन्फ्यूजन हो वहाँ धैर्य बना लीजिए जो काम आज नहीं वहाँ कल होगा काम जरूरी नहीं है सारा फैसला आज ही कर लें जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं जीवन साथी के साथ ही रहना आपके लिए ठीक है और विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी विशेष करके जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी उनके लिए दिन बढ़िया है स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा नींद का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा क्योंकि नींद की कमी से सारी परेशानी होने वाली है और आज गणेश जी का दर्शन जरूर जाके करिएगा दूरबा अर्पित जरूर करिएगा लकी अंक आपके लिए पाँच होगा लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी निवेश आपको नहीं करना है वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली का जो परिवर्तन है शनिदेव का आपकी राशि से दसमस्त हो जाना निसंदेह शश महापुरुषों का निर्माण आपके लिए हुआ है और यह गोचर आपके लिए बढ़िया है चंद्रमा का राशि से लाभ में होना पूर्णतः फायदेमंद स्थिति बनी हुई है लाभ की स्थिति ही आपकी है कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बेहद शांत मन से एक बार विचार कर लीजिए और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हों शुरू करिए आज जो भी काम आप शुरू करते हैं जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं और विशेषकर जानकार की राय से शुरू करते हैं तो आप समझ लीजिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी इधर की बात उधर करना चुगली करना निंदा शिकायत इससे आपके कार्य पर असर पड़ेगा और आपकी सफलता बाधित होगी आप बेवजह परेशान होंगे अपने काम पर ध्यान दीजिए काम से काम रखिए इनकी निंदा उनकी शिकायत इससे बचिए आज जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य है केवल उस पर ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए जो निंदा शिकायत में ही समय व्यतीत करते हैं नहीं तो आपका नुकसान होगा गुप्त बात अपनी किसी से, से शेयर मत करिएगा धन के मामले में अगर कोई चिंता थी तो समझ लीजिए मदद मिलेगी व्यापारी व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा सबके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और शनि का परिवर्तन जो शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं बहुत बढ़िया है प्रेम संबंध के लिए भी देखा जाए तो सब तरफ से ठीक है लेकिन आज जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है जोड़ों में दर्द कमर दर्द की शिकायत विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी संभव है आज एक चम्मच दही खा करके घर से बाहर जाएगा लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश कर सकते हैं मिथुन के जातकों की अगर हम बात करें तो शनि का राशि से भाग्य में आना एक नई शुरुआत नई उम्मीद के साथ एक नया दिन हर काम बहुत अच्छी तरह से आसानी से निपटता चला जाएगा बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बहुत बढ़िया जहाँ रहेंगे आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलेगा कोई नया कार्य कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं बैंकिंग से संबंधित जितने भी कार्य करने की सोच रहे हैं वो सभी कार्य आज आप प्रारंभ करिए दिन बेहतर है और इस बेहतर दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो समझ लीजिए आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा लोगों से मुलाकात के लिए अचल संपत्ति से संबंधित काम के लिए शनि का परिवर्तन भाग्य भाव में निसंदेह हाँ आपके लिए अचल संपत्ति दिलाने वाला है बहुत बढ़िया है लेकिन कुछ रिश्तेदार जो केवल और केवल आपको इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों से आज सावधान रहिएगा इनसे बहस भी नहीं करना नीचा भी नहीं दिखाना लेकिन इनसे सावधान रहना है जीवन साथी का सम्मान करिएगा विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है छोटे भाई बहन है तो उनके स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा लकी अंक आपके लिए आज एक है लकी कलर है आपके लिए आज ग्रे निवेश आप करें और साथ ही साथ आज शिव चालीसा का पाठ भी आप करिएगा इससे लाभ रहेगा कर्क के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना बुध के नक्षत्र में और शनि देव का आपकी राशि से आज अष्टम में होना दिन ठीक नहीं दिखा रहा है ये परेशानी की ओर थोड़ी चिंता सबसे बड़ी बात है कार्य क्षेत्र में परेशानी आज विशेष रूप से सतर्क रहिएगा सावधान रहिएगा उच्च अधिकारियों से बहस विवाद न हो कोई ना कोई शिकायत आपकी कर देगा कोई चुगली कर देगा जिसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ने वाला है मिल रहा मौका भी आपके हाथ से छीन सकता है तो बड़ा सचेत रहिए सावधान रहिए और हाँ आपकी सफलता में रुकावट बार बार आने वाली है सतर्कता जरूरी है जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको जरूर लाभ मिलने वाला है लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन थोड़ी चिंता परेशानी लेकर के ही आ रहा है अनजान लोगों से सावधान रहिए सब पर विश्वास मत करिए कहीं भी किसी मामले में बहुत ज्यादा जल्दबाजी अति उतावलापन दिखाने से बचिए अन्यथा आपका नुकसान होगा प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है दाम्पत्य जीवन ही एक ऐसा है जहां आपको सहयोग मिले तो काम बन सकता है विद्यार्थियों को भी सफलता के लिए विशेष संघर्ष करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मसालेदार भोजन से आपको पूरी तरह से बच के रहना है अन्यथा पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना है और चोट चपेट की भी घटना घटित हो सकती है सावधान रहिए आज थोड़ा घी ले लीजिए और जाकर के शिव मंदिर में दान करिए लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज पीला निवेश आप ना करें स्विम्ह रास के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में शनिदेव के परिवर्तन से महापुरुष योग का निर्माण परंतु चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना कार्य आपका भी विलंब से होने वाला है स्वास्थ्य मन आलस्य के साथ ही रहेगा आज कहीं ना कहीं हर कार्य में विघ्न बाधा परेशानी आएगी हालांकि काम अंत में बनेगा नए रास्ते खुलेंगे कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर कार्य अंत में जाकर के होगा कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं परंतु ये ध्यान रखिएगा कि सब कुछ आज आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होने वाली है किसी के साथ भी तनाव न हो विवाद न हो तनाव और विवाद वाली स्थितियों से खुद को दूर रखिएगा जिम्मेदारी जो भी आपके ऊपर है उसका निर्वहन करने का प्रयत्न करिए व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है इसमें लाभ आपको मिलेगा परंतु हर किसी के साथ काम करना हर किसी पर विश्वास करके पैसा वगैरह लगा देना इससे बचना है चूंकि चंद्रमा आठवें में है शनि के परिवर्तन से सस महापुरुषियों का लाभ आपको मिलेगा लेकिन कही न कहीं ना कहीं आठवें का जो चंद्रमा है वो मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है हो सकता है बेबात किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए वक्त वहां पर भी आपका खराब हो सकता है जीवन साथी के साथ सम्... प्यार से पेश आइए उनकी भावनाओं का सम्मान करिए उनको समझने की कोशिश करिए और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज के लिए आपके लिए आज का दिन ठीक है हालांकि आपको शिक्षकों से जरा आपको सतर्क रहना होगा शिक्षकों से किसी बात पर थोड़ी सी ऐसी हो सकती है शिक्षक बुरा मान जाएंगे तो उनका अपमान तो बिल्कुल ठीक नहीं है स्वास्थ्य का ख्याल रखिए मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और आज गाय को गुड़ खिलाइएगा लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज पीला निवेश आप बचें चर्चा अगर हम कन्या की करें तो दिन ठीक है शनिदेव का परिवर्तन राशि से आपके ष्ठ में बहुत बढ़िया सप्तम का चंद्रमा बहुत बढ़िया नौकरी में स्थानांतरण प्रमोशन ऐसी कोई भी चाहत थी तो सूचना मिलने जा रही है एक्टिव पूरी तरह से रहेंगे कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं एकदम करिए गोचर कुंडली में शनि का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया हुआ है बुध के ही नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है यह भी बहुत बढ़िया है व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम लेना चाहते हैं जोखिम लीजिए कर्ज लेना चाहते हैं लीजिए जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाइए लेकिन हर कार्य बेहद शांत मन से और समय का अब आनंद लेते हुए बातचीत के दौरान भी आपको सतर्क रहना होगा बात बहुत लंबा मत खींचिए अपनी बात को साफ और सीधी सीधी कहिए किसी पुरानी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है व्यापार अगर साझेदारी में करते हैं तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है व्यापार में फायदा मिलने वाला है पार्टनर से किसी बात पर मतभेद या मनभेद हो गया था तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं धन के मामले में कहीं किसी तरह का विवाद न हो इस बात का ख्याल रखिए और जीवन साथी के साथ अनबन या बहस की कुछ स्थिति उत्पन्न होगी उसे संभाल लीजिएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी स्वास्थ्य को लेकर के वैसे तो सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है श्री सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए हरा है निवेश करें तो वही बात अगर हम तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी वैसे तो आज का दिन ठीक है परंतु शनि का राशि से पंचमस्थ परिवर्तन चिंता मानसिक अशांति और परेशानियों को लेकर के आने वाली है षठ का चंद्रमा भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा परेशान आपको करने वाले हैं दिन को सहज और सरल नहीं रहने देंगे भाग्य के भरोसे मत रहिएगा भाग्य के सहारे काम नहीं होंगे कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी हालांकि अवसर आपको मिलेगा लेकिन संभावना कम ही है कि मिलने वाले अवसरों का आप लाभ उठा सकें व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं किसी भी तरह के परिवर्तन से बचिए लेन देन के मामले में सावधान रहिए व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला बिना सोचे विचारे मत करिए शनि का परिवर्तन आपकी राशि से पंचमस्त हुआ है जिसका सीधा असर आपके व्यापार पर पड़ेगा और जहाँ बिना सोचे विचारे आपने परिवर्तन किया तो आपको उसका नकारात्मक परिणाम देखना पड़ेगा और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा हालांकि आपके लिए समय ठीक है सावधान तब भी आपको रखना है क्योंकि दुश्मन आपके बढ़ेंगे उनसे उलझने की जगह उनसे बचने का ही प्रयत्न करिए जिद्द से बचना होगा वरना परेशान होंगे जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए जीवन साथी का साथ दीजिए क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पंचमस्त शनि से पड़ने वाला है विद्यार्थियों के लिए मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मन पढ़ाई में कम लगेगा आलस्य आप पर हावी रहेगी पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है मौसमी बीमारियों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा और शिव मंदिर में आज दर्शन करने अवश्य जाइएगा शिव जी की कृपा मिले तो कुछ राहत हो लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है निवेश आप ना करें और वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचम में होना शनि का राशि से चतुर्थ में होना शश महापुरुष योग है लेकिन कार्य आज रुक रुक करके अटक अटक करके होंगे अच्छी सूचना यह है कि कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिल जाएगा आज सबसे मूल मंत्र है बेहद शांति के साथ आपको काम करना है गंभीरता के साथ हर किसी की बात को सुनते हुए ही कोशिश करनी है तब जाकर के सफलता मिलेगी तभी अच्छे से आप आज इस दिन का लाभ उठा सकेंगे नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए अच्छी सूचना है नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है शनि का परिवर्तन शश महापुरुषों का निर्माण कर रहा है जो कि आपके लिए बढ़िया है ये अलग बात है कि यह ढैया की स्थिति भी है फलस्वरूप मानसिक अशांति तो थो थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी ऐसा नहीं है कि ढैया आपको मानसिक अशांति से बाहर जाने देने वाला है ध्यान रखिए क्योंकि शनि स्वगृही है सो सस महापुरुषों का लाभ मिल रहा है जिम्मेदारियों से भागिएगा मत घर का माहौल ही शनिदेव तनाव पूर्ण कर देंगे बाहर तो आप जंग जीते घर में ही कलह परेशानी शुरू होगी अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है सोच समझ करके स्वीकार करिए विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने वाला है दिन सफलता तुरंत नहीं मिलेगी संघर्ष से मिलेगा और सफलता चाहिए तो प्रयत्न करिएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने श्वास का ख्याल रखिए कफ जन रुख शनि चतुर्थ में है तो परेशानी थोड़ी लाएंगे और मंदिर में आज जाकर के अन्न दान करिएगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है निवेश से आप बचें परंतु धनु के लिए यह गोचर कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपकी बात को मानेंगे परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर हां संतान की ओर से थोड़ी चिंता जरूर रहेगी शनि का परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय में हुआ है लोगों से मिलने जुलने के लिए बातचीत करने के लिए मीटिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है परिस्थिति बहुत हद तक अब आपके पक्ष में बदलने वाली है यूं समझ लीजिए कि चिंता टेंशन जो भय युक्त जीवन था वो भय मुक्त होने जा रहा है शुभ बदलाव हुआ है आपके लिए व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद रहने वाला है दिन कहीं पैसा उधार दिया हुआ था अपने फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है आज जितने भी धनु राशि के जातक हैं जिद्द से बचें नहीं परेशानी में पड़ेंगे और किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा वाहन चलाते समय पूर्ण सावधानी बरती और अपने प्रेमी से मन की बात कहना चाहते हैं तो अब आप कह सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके बीच कोई तीसरा आ सकता है जिससे मतभेद परेशानी शुरू होगी विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा तब जाकर के परिणाम अच्छा आएगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी स्वास्थ्य में सुधार होगा रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा लकी अंक दो लकी कलर पिंक निवेश करें मकर के लिए स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना और शनिदेव का जो परिवर्तन हुआ है राशि से द्वितीय साढ़े साथ ही आपकी राशि से अलहटने से हद तक राहत तो मिलेगी ही आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूलता बढ़ने वाली है किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है दोस्त की मदद से पुराने दोस्त की मदद से रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है और कोई धन निवेश का लाभदायक प्रस्ताव आज आपके सम्मुख आने वाला है उस पर चर्चा होने वाली है कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है आज इस दिन का आपको लाभ उठाना उठाना होगा योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो जो भी काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा मिला मुलाकात के लिए मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है घर के सदस्यों से राय मशवरा करके काम करिए तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा घर इत्यादि बनाना चाहते हैं पुराना कोई पुरानी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जिस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कराना चाहते हैं अब आप काम करिए परेशानियां धीरे धीरे अब कम होंगी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए और हर जगह संतुलन बिठाए रखिए बात बात पर खुश होना और बात बात पर दुखी झुंझलाना इससे बचिए परिवार के मध्य तनाव और विवाद की स्थिति होगी शनि के परिवर्तन से शनि की दृष्टि चतुर्थ पर होगी तो पर इससे जरा सतर्क रहना है साढ़े साथी समाप्त नहीं हुई है दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी संभालिए इसको विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है दिन सावधान रहना होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द बदन दर्द की शिकायत होगी आज गाय को रोटी और शक्कर दीजिएगा लाभ रहेगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज लाल निवेश कर सकते हैं कुंभ के लिए मध्य साढ़े साथ ही शुरू हुई है शनिदेव आपकी राशि पर निसंदेह यश महापुरुष होगा लेकिन हर कार्य अब विलंबित चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय में मीठा बोलना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो मीठा बोलिए केवल अपना हित साधने के लिए नहीं सबके लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए धन की चिंता सताएगी हर कार्य में छोटी मोटी बाधा आएगी पुरानी चिंता के साथ साथ चिंता अब विकसित होने वाली है सतर्क रहना होगा स्थितियों को सहज बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना होगा मौका मिलेगा और जब मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठाइएगा कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे बहुत ज्यादा हवा मत दीजिए उसको शांत छोड़ने का प्रयत्न करिए व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो मिलेगा लेकिन कई तरह की अड़चन कानूनी परेशानियां इत्यादि भी आपको देखनी होंगी सावधान रहिए दूसरों की बात को ठीक से सुनिए बिना सुने बिना विचारे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए जीवन साथी का साथ मिलेगा परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में साफ साफ परेशानी दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा है आपके लिए बढ़िया है आप मेहनत करिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी जीवन साथी के जोड़ों में दर्द आपको भी कफ जन्य रोगों की समस्या खान पान पर नियंत्रण रखिए मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिए लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज निवेश ना करें और मीन राशि के जातक भी अब पूरी तरह सतर्क रहें साढ़े साथ प्रारंभ हुई शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ ही अब आपको साढ़े सात ही शुरू हो गई है हनुमान जी की शरण में आ जाना है स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है खुद को शांत रखना जरूरी होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल नहीं है कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकता है अनचाहा ट्रांसफर भी होगा हालांकि पदोन्नति भी होगी पर अनचाहा ट्रांसफर हालांकि कोई ना कोई आपका हौसला अफजाई आप करने वाला भी आपको मिलेगा सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगे परंतु उलझन विवाद परेशानी बनी रहने वाली है रोजमर्रा के कामों में भी रुकावटें बाधाएं बनी रहेंगी अपना ध्यान संतान की ओर संतान की शिक्षा की ओर बना करके रखिए वाणी पर नियंत्रण रखिए व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा व्यापार से संबंधित परेशानी बनेगी थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए नहीं नुकसान होगा लापरवाही में कोई ऐसा फैसला कर लेंगे जो जो आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो हड़बड़ी में कोई फैसला मत करेगा नहीं दुर्घटना परेशानी घटित अवश्य होगी प्रेम संबंध के लिए आपके दिन को मैं सामान्य कहूंगा या मिला जुला कहूंगा छिटफुट परेशानी प्रेम संबंध में भी आ रही है और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा मेहनत से जी भागेगा तो पढ़ाई में मन लगाने का प्रयत्न करिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है स्वास्थ्य को लेकर के सचेत सतर्क और सावधान हुई और मानसिक तनाव भी रहेगा शिव मंदिर में जाइए शिव जी का दर्शन करिए शिवजी के ऊपर दूध अर्पित करिए लाभ इससे होगा लकी अंक दो लकी कलर सफेद निवेश ना करें तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार